हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर अपना टीचिंग सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था अर्थशास्त्र के महत्व, जिसके अंतर्गत हमने अगली क्लास में पढ़ा था अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक महत्व, थ्योरेटिकल महत्व क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के व्यवहारिक महत्व। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र के व्यवहारिक महत्व क्या है, हम व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कैसे लेते हैं और इसके हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग है अर्थशास्त्र का विषय का। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र के व्यवहारिक महत्व, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है आपका छात्रों के लिए महत्व। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, इसके इंटरनल पॉइंट आएंगे व्यवहारिक जीवन में छात्रों के लिए महत्व, छात्रों के लिए क्या महत्व है उसके अंतर्गत फर्स्ट है इंटरनल पॉइंट पहला ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि किसके, छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वह अर्थशास्त्र संबंधी नियम सिद्धांत वगैरह वो सीखेंगे तो उनके क्या होगा, नॉलेज में वृद्धि होगी, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, वो अर्थशास्त्र विषय को समझ सकेंगे। तो उनके अंतर्गत क्या होता है, अर्थशास्त्र विषय संबंधी उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, जिसके अंतर्गत वो अर्थशास्त्र संबंधी नियम सिद्धांतों को समझते हैं तो उनके नॉलेज ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत सेकंड मानसिक विकास। मानसिक विकास अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों का मानसिक विकास भी कैसा होता है, तीव्र होता है, वो तर्क वितर्क कोई भी समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं और उसका निष्कर्ष निकालना उनके अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, जैसे अवलोकन शक्ति निर्णय शक्ति और तर्क शक्ति और इसके अंतर्गत स्मरण शक्ति विवेक शक्ति और चिंतन शक्ति आदि, तो उनके अंतर्गत ये आदि मानसिकता के गुण का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट दृष्टिकोण में व्यापकता, उनके दृष्टिकोण में व्यापकता, उनके सोच में परिवर्तन होता है। दृष्टिकोण छात्रों में अर्थशास्त्र शिक्षण से विचार द्वारा एवं दृष्टिकोण में
व्यापकता, आती है। ठीक है, उनका कैसे और शास्त्र के द्वारा उनके विचार उनकी सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर व्यापक दृष्टिकोण में आती, जैसे उनके अंतर्गत इसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गुणों का विकास होता है। घटनाओं के सापेक्ष महत्व को समझने की शक्ति का विकास तत्वों व घटनाओं को महत्व को समझने की शक्ति का विकास यानी तर्क वितर्क उन घटनाओं को समझने का उनमें योग्यता विकसित होती है। छात्रों में बौद्धिक शक्ति, ठीक है, इसके अंदर कौन सी शक्ति आती है, बौद्धिक शक्ति का विकास होता है जिसके अंतर्गत वो किसी भी तत्व को समझ सकते हैं और उनकी घटनाओं का हल कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं उनको समझकर, ठीक है। तो उनमें बौद्धिक शक्ति का विकास होता है अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा। फिर श्रमिकों के लिए महत्व, अर्थशास्त्र के द्वारा श्रमिकों के लिए भी क्या महत्व है जिसके अंतर्गत वो अपने दायित्वों को अपने अधिकारों को समझते हैं, उनको उचित मजदूरी के लिए वो मांग कर सकते हैं, बोनस के लिए मांग कर सकते हैं, तो उनका सबका क्या ज्ञान होगा, यानी उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, उन्हें इन कानून की संबंधी जानकारी मिलेगी, जिसने तो उनके शोषण के विरुद्ध यानी शोषण के विरुद्ध वो एकजुट होकर आवाज उठाएंगे और उनका शोषण नहीं हो पाएगा। तो उनको किसमें जानकारी होगी, अगर उनको इन वो पढ़े लिखे होंगे उनको इनका नॉलेज होगा तो वो अपने लिए अपने हित के लिए ध्यान रखेंगे। फिर है समाज सुधारकों के लिए महत्व, समाज सुधारकों के लिए क्या महत्व है इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के अध्ययन से जनसंख्या वृद्धि की समस्या और वैश्विक समस्या
और गरीबी की समस्या और कौन सी बेरोजगारी की समस्या आदि की जानकारी होगी वो समाधान कर सकेंगे। ठीक है, समस्त दलों के लिए अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत वो बेरोजगारी, वैश्वीकरण, गरीबी, इन सारी देश की जो समस्याएं हैं इनको समझ सकेंगे और इनका समाधान करने के उपाय ढूंढेंगे, उनको समाधान कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये समाज सुधारकों के अंतर्गत ये वाला पॉइंट है। फिर आता है आपका नेक्स्ट राजनीति, राजनीतिज्ञों के लिए महत्व, पॉलिटिकल राजनीतिज्ञों के लिए क्या महत्व है, जिसके अंतर्गत वो अर्थशास्त्र के अध्ययन का ज्ञान होगा उन्हें, तो वो क्या कर सकते हैं, एक आर्थिक नीति बना सकेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, आर्थिक नीति बनाना, व्यापार नीति बनाना है ना, आयात निर्यात नीति, ये सारी, तो इसके अंतर्गत इसमें आएगी, ये राजनीति के लिए अंतर्गत आएगी, जिसके अंदर वो पॉलिटिकल पार्टियां अपने हितों के लिए, अपने देश के हित के लिए, वो नए नए देश के विकास के लिए आर्थिक नीतियां का विकास, आर्थिक नीतियों का सॉरी निर्माण कर सकती हैं। फिर है नेक्स्ट उत्पादकों, प्रोडक्शन करता होते हैं ना उत्पादकों एवं निर्माताओं के लिए महत्व, उत्पादकों के लिए महत्व क्या है कि वो उत्पादकों के लिए महत्व, जिसके अंतर्गत उत्पादक अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकेंगे। अगर किसके द्वारा अर्थशास्त्र के विषय का ज्ञान होगा, अर्थशास्त्र को समझेंगे तो वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के उपाय को समझेंगे, वो उसको समझेंगे कि प्रोडक्शन जो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको किस तरह कम किया जा सकता है, जिसके अंदर आवश्यकता के अनुसार ही वो व्यय करें। ठीक है, और उपभोक्ता के लिए उचित वस्तु का उत्पादन करना, कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की जानकारी हासिल करकर, उपभोक्ताओं की रुचिपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करकर, वो जिसके अंतर्गत वो अपनी इन वस्तु का उत्पादन करेंगे तो वो कॉस्ट भी कम होगी और उन्हें प्रॉफिट भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आ जाता है उत्पादन के अंतर्गत। आप देख सकते हो उपभोक्ता की रुचि के अनुसार अनुसार उत्पादन कम लागत पर उत्पादन, तो इस तरह की वो नीतियां बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्यापारी के लिए महत्व, बिजनेसमैन व्यापारियों के लिए क्या महत्व है, जिसके अंतर्गत वो अपनी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह, ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है व्यापार से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित, उन पर वो कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छी नीति बनाकर वो अच्छे कॉस्ट को कम कर, उत्पादन कॉस्ट को कम कर, वो अपने खर्चे को कम कर और उचित वस्तु उपभोक्ताओं तक पहुँचाकर अपना लाभ कमा सकते हैं, यानी अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए कार्य करते हैं, लाभ के लिए, ये लाभ में वृद्धि
करते हैं, ठीक है ना, अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए वो इस चीज़ का अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत वो अपना नीति बनाकर वो अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये था आपका अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व, जिसके अंतर्गत हमने सभी पढ़ा, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट के लिए क्या महत्व है, श्रमिकों के लिए क्या महत्व है, उत्पादनकर्ता, राजनीतिक उसके अंतर्गत, और बिजनेसमैन, व्यापारियों के लिए, इनके अंतर्गत सभी पॉइंटों को हमने पढ़ा। तो आज आपका इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के व्यवहारिक महत्वों का वर्णन कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको होमवर्क अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।